Hey, what's up guys? Thanks for tuning back to the channel, and my name is Guneet and I welcome you all to another new vlog. Well, it's a bright sunny day. Aap dekh rahe ho aaj dhoop nikli hui hai. And I just had my lunch aur maine socha kyun na bahar thodi der ke liye jaya jaye. Though it's chilly, -10 ke aas paas hai abhi bhi. But thoda sa walk ki jaye. I just realized ki yaar bahar ऑक्सीजन भी ज़रूरी है और धूप भी ज़रूरी है. एंड वाइल आई केम आउटसाइड टू वॉक, तो मैंने सोचा यार एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी कर ली जाए, वीडियो भी बना ली जाए, व्लॉग भी बना लिया जाए उसके रिगार्डिंग. आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी या देखी ही होगी कि कुछ दिन पहले, आई वुड से 10-11 डेज बैक, a family of four was found dead on the Emerson Pass near the Canada-US border in Manitoba. और कुछ आगे investigation करने के बाद ये पता चला कि they basically froze to death and it was a couple along with their two kids. एक 3 साल का लड़का था, बेटा उनका, और 11 साल की बेटी. एंड दे वर इन देयर लाइक लेट 30s. फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील कि दे वर ट्राइंग टू इलीगली क्रॉस द बॉर्डर कनाडा से वो यूएस, इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे. और उस दिन -35 था, वैसे भी मैनिटोबा इज़ अ कोल्ड प्रोविंस, -35 डिग्री सेल्सियस में दे वर ट्राइंग टू यू नो गेट अक्रॉस द बॉर्डर. और उस रात को 18 की रात को दे वर ट्राइंग टू डू, और 19 सुबह आरसीएमपी वालों ने फिगर आउट किया और 12 मीटर की दूरी पे यूएस बॉर्डर से they found their bodies. This is really, really, you know, stunning and shocking news for me. I mean, सभी के लिए होंगी. They came from India और they belongs to Gujarat state और गुजरात के कुछ डिंकुचा village से थे. And वो 12 तारीख को यहाँ पर land किए थे Canada में. ज़्यादा नहीं पता, but what I heard is like ki they came on a visitor visa to Toronto, land kiye the wo, aur Toronto se wo log fir Manitoba kaise pahunche ya kya rasta tha, not very sure. But kuch jo investigation samne aur aayi hai, jo ki Indian High Commission ke sath, jaise RCMP wale Canada ke aur Canadian government kaam kar rahi hai along with US अथॉरिटीज़, तो ये पता चला कि 18 तारीख की रात को, 18 जनवरी की रात को, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 11, 11 लोग थे जो सब मिलके माइग्रेट कर रहे थे इलीगली कनाडा से यूएस, और 7 लोग पार कर चुके थे तब. ये चार लोग पीछे रह गए थे और somehow they were like along with the kids maybe because of that. And ये भी सुनने में आया कि ये लोग सब 10 से 11 घंटे walk कर रहे थे बर्फ़ के ऊपर, या I don't know, you know, they were like outside in the cold winters just to go across the border. और रात को जब अंधेरा होता है, maybe that was a plan. And उन लोगों को कौन support कर रहा था, कौन agent थे या कौन से middleman थे या क्या था, इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. बट उसी रात को यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस की अथॉरिटीज़ ने, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक वैन देखी जिसके अंदर एक फ्लोरिडा का आदमी, बेसिकली यू नो ही वाज हेल्पिंग, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, 2 इंडियंस ऑलरेडी जो पार कर चुके थे, और 4-5 लोग ऑलरेडी उस वैन की तरफ बर्फ़ के ऊपर से चलते हुए वैन की तरफ रुक कर रहे थे. एंड
उन्होंने सबको पकड़ लिया एंड दे हैव बीन जेल्ड और लाइक प्रिजन भेज दिया गया है. इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहीं से थोड़ी बहुत अपडेट आ रही है कि हाउ दे केम टू कैनेडा और कैनेडा से अब ये US क्या कर रहे थे और कैसे माइग्रेट कर रहे थे. तो एक बंदे ने बताया कि आई जस्ट केम ऑन अ फेक स्टडी परमिट एंड मेरा कोई शिकागो में रिश्तेदार रहते हैं एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू हिज प्लेस. एक बार बॉर्डर पार हो जाता एंड देन सो दिस होल इशू इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन मैं कहूँगा जिसे. यू नो, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये सब करके आपको क्या मिलेगा? आज की जो जनता है या यंगस्टर्स हैं, ठीक है ना, इवन मिडिल एज मैन और मिडिल एज फैमिली, दे आर वेरी मच डेस्परेट टू कम आउट टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US, कैनेडा, बट एट एनी एक्सपेंस. मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सीधे रास्ते क्यों नहीं आया जाता. यू नो, आप पढ़ने आओ, अगर नहीं पढ़ने आ सकते बिजनेस वीज़ा पे आओ, बिजनेस वीज़ा पे नहीं आ सकते तो आई मीन देर आर डिफरेंट वेज. इतनी सारी मैं वैसी हम अब यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, PNP स्ट्रीम्स के बारे में बताते रहते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम. तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, वाई गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस. और ये भी मुझे आश्चर्यचकित होता है कि जो ये लोग आ रहे थे, आई मीन दे स्पेंड नियरली 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपया दे के, और शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 1 करोड़ रुपया दे के आप यहाँ आना चाहते हो. मेरे ख्याल से यार आप न्यू ब्रंसविक की एक, आई एम नॉट वेरी श्योर, डोंट कोट मी, बट कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के आसपास आप स्पेंड करो तो आपको बिजनेस वीज़ा मिल जाता है. दिस इज़ वेरी शॉकिंग, ठीक है ना. आप लोग अपने ड्रीम्स के लिए, यू नो, दोज टू गाइस, आई मीन दे हैव अ फैमिली ऑफ 4, बट 2 बच्चे थे, तो हमने 2 फ्यूचर को लॉस कर दिया. अपने माँ बाप का सोचो जो पीछे हैं इंडिया में, और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, चलिए आप यहाँ आ तो जाते हैं, ओके, यू कम ओवर हेयर, इलीगली आ गए, ठीक है, यहाँ पे रहने लग गए, तो यार अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे निकालोगे? आपके पास ना कोई पहचान पत्र होगा यहाँ का, ठीक है ना, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना पाओगे आप कुछ टाइम तक. तो एक बार वो कहते ना, एक झूठ फिर आगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ होता ही जाता है. तो आप एक बार इलीगली आए तो सारे काम फिर बाद में इलीगली ही होंगे. सिन नंबर आपका जनरेट नहीं हो पाएगा तो आप जॉब कैसे पाओगे? आपकी सैलरी कैसे किस बैंक अकाउंट में आएगी? तो बट हाउ एनी हाउ, अब आप लोगों को यू हैव टू वर्क ऑन कैश जॉब्स. अब कैश जॉब्स में आपको मिनिमम वेज नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरीज नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर लेगा. वैसे भी आपको लॉयर यहाँ करना पड़ेगा, आप असाइलम लोगे यहाँ पे, इलीगली माइग्रेट करे गए और पकड़े गए बाद में, तो टॉर्चर ही बथेरा होता है यार पुलिस का. आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है 40 से 50 दिन तक 16 डिग्री टेम्परेचर का AC चला के. कभी कभी तो वॉशरूम भी नहीं देते, वहीं पे यूरिनेट करो, वहीं पे ही नेचर्स कॉल करो और वहीं पे रहो, वहीं पे सो. बहुत बदतर व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा, खासकर तो US इमिग्रेशन, जब US अथॉरिटीज़ जो करती हैं या US गवर्नमेंट. सो व्हाट्स द पॉइंट कमिंग लाइक दैट? 3-4 साल आप परेशान रहो, ठीक है ना, लॉयर के धक्के खाओ, फैमिली से दूर, अता पता नहीं किसी चीज़ का, रोटी का अता पता नहीं, खाना कैसे खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे? यू नो, पीपल गेट इन्फ्लुएंस सो क्विकली. कुछ तो एजेंट्स कर देते हैं, कुछ ये हमारा जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत फैसिनेटिंग है. आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की पिक्चर देखते हो, फोटो देखते हो, ठीक है ना, आप ये देखते हो कि वो ड्राइविंग फास्ट कार्स या कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, मस्ती जगह पे इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है. प्लीज़ डोंट गेट फैसिनेटेड, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड. अब अभी देखो, मुझे सिर्फ हार्डली 10-15 मिनट हुए वॉक करते हुए और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एंड ये वाला हिस्सा मेरा अभी भी हल्का सा सुन होना शुरू हो गया. टेम्परेचर अभी माइनस
फील्स लाइक -14-15 के आसपास है। दाढ़ी मेरी हल्की सी अगर देखो जमनी शुरू हो गई है, देखो है ना। तो आप इमेजिन कर लो -35 के अंदर ऐसी बर्फ में, ऐसी मतलब कई मील होंगे जो आपको पार करने होंगे, क्या आप पार कर सकते हो? ये वाली न्यूज़ तो बाहर आ गई एंड अनफॉर्चुनेटली इन चार लोगों के साथ ऐसा हो गया। बट हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड डोंकी? डोंकी डोंकी के बारे में अगर आइडिया हो, इट्स अ इलीगल वे टू एंटर US थ्रू साउथ अमेरिका, नीचे इक्वेडर से, ब्राज़ील से, पनामा से होते हुए और भी छोटे छोटे साउथ अमेरिकन कंट्री से निकलते हुए मेक्सिको के रास्ते सुरंगों से निकलते हुए आप US के अंदर एंटर करते हो। और ऐसे कई सारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं पंजाब के और हरियाणा के तो खासकर, जो डोंकी करते हैं। और उस डोंकी के अंदर आपकी जान जो होती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो जो एजेंट होते हैं ना, जो इनका जो कह लो, अब आप इंडियन एजेंट से मिलते हो, इंडियन एजेंट जो होता है उसके आगे लिंक्स होते हैं किसी थर्ड पर्सन से जो दूसरी कंट्री का होता है, उस थर्ड पर्सन के लिंक होते हैं आगे फोर्थ पर्सन से, फोर्थ एजेंट से, फोर्थ एजेंट के लिंक होते हैं फिफ्थ एजेंट से। तो ऐसे ना कि चेन बनी हुई है एजेंट्स की और ये मिल के ऐसे काम करते हैं। तो जो आपको इंडिया में एजेंट बोलता है तो वो कुछ गारंटी थोड़ी होता है, बट वो आपको बिल्कुल 100% बोल के नहीं जी आप पहुंच जाओगे जी, 10 दिन का तो रास्ता है, आपको बस जंगलों से निकलना है, आपको खाना भी मिलेगा, आपको पीने को भी मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर मिलेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता जी, दिस नथिंग लाइक दैट। 40 से 50 दिन लग जाते हैं डोंकी के लिए, ठीक है, और उसके बाद जंगल में सांप मिल जाए वो डस सकता है, भेड़िया आ जाए वो खा लेता है, शेर आ जाए, आई मीन कोई गारंटी नहीं है। एंड इट्स अ सेइंग कि अगर 10 लोग जा रहे होते हैं उसमें 5 लोग पहुंच ही नहीं पाते। अगर किसी की चोट लग जाए या सांप डस जाए और चल नहीं पा रहा होता, तो जो एजेंट होता है ना बीच में, मैक्सिकन एजेंट या जिसे नीग्रो कह लो या जिसे जो मर्जी आप समझ लो, वो गोली मार देता है आपको। पिछले 5-7 दिनों से ये वीडियो बनाने की सोच रहा था बट मेरे से बनाई नहीं जा रही थी क्योंकि बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। जितनी बार ये न्यूज़ में सुना इस एपिसोड के बारे में, उतनी बार आई फेल्ट सो बैड फ्रॉम इनसाइड एंड आई फेल लाइक आर पीपल सो फूलिश, इतने ज़्यादा यू नो क्रेजी हैं यहाँ के लिए या इतना बिल्कुल पागलपन है, तो जुनून वाली बात हो जाती है। तो अगर ऐसी बात है तो यार सीधे रास्ते से आओ ना यार, सभी रास्ते अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज जस्ट यू नो ऑन द वेबसाइट्स। google.com मैं शुरू से कहता हूँ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी स्पाउस पढ़ना चाहती है तो उसे भेजो। और इतना बढ़िया कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो किया हुआ है कि यार ओपन वर्क परमिट पे, मतलब इफ़ एन इंडिविजुअल कम्स ऑन अ स्टडी परमिट ओवर हियर, उसका स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है और जो ओपन वर्क परमिट पे वो कहीं पे भी काम कर सकता है। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। उसके अलावा कुछ प्रोविंस को, 2-3 प्रोविंस को छोड़ के आपको हेल्थ केयर भी पहले दिन से मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है 3 साल का मैक्सिमम कनाडा में। तो वो लेके काम करा के अपना PR कराओ, अगर यहाँ रहना है, US जाना है तो US के और भी कई रास्ते हैं यार। बात बोल रहा हूँ, हर जगह का अपना अपना एसेंस होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ के प्रोज हैं, अगर आपको यहाँ के प्लस पॉइंट्स ही दिखते हैं, तो मैं कहूँगा सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स देखो कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, कोप अप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे सर्दियों को, ठीक है ना। गर्म जगहों पे रहना है तो वहाँ पे और कितनी जनता रह रही है,
अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो वैनकूवर जहाँ पे सबसे अच्छा मौसम है, तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखो, आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे, इतनी कमाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पर एक और सबसे ख़ास बात, कहीं जाने के डेस्परेशन से पहले आप उस जगह का विजिटर वीज़ा लो, एक महीना रह के आओ। जब एक महीना रह लोगे, फिगर आउट कर लोगे, थोड़े से पैसे ज़रूर लगेंगे एट अ कॉस्ट ऑफ सम एक्सपेंस, एक्सप्लोर करो और फिर उसके बाद डिसीजन लो। अब ये एपिसोड क्योंकि कुछ हाईलाइट हो गया है, तो अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे उन लोगों के लिए जो अब इन करंट टाइम्स या कुछ रीसेंट टाइम्स में आगे कनाडा विजिटर वीज़ा पे या स्टडी परमिट पे आना चाहते हैं, कनाडा छोड़ो यूएस भी आना चाह रहे हैं या कहीं और जाना चाह रहे हैं इंडिया से, और जो वीज़ा ऑब्टेन करना चाहते हैं तो एम्बेसीज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होंगी, कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू स्क्रूटनाइज द प्रोसेस एज वेल फॉर अ टाइम बींग। तो कोई बड़ी बात नहीं, डिनाइल्स भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली इम्पैक्ट एक आम आदमी पे आया जो सही रास्ते से, सीधे रास्ते से भी जाना चाह रहा है। किसी की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना, कोई कहीं बिजनेस ट्रिप पे जाना चाह रहा हो सकता है, और उसको अगर डिनाइल आ जाता है तो कहीं ना कहीं इट एड्स टू हिज और हर फ्रस्ट्रेशन। और अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपया दे ना, तो मैं तो उसकी FDI कराऊं और आराम से ब्याजी पैसा खाऊं, साथ में एक चुपचाप से एक अपना छोटी मोटी नौकरी कर लूं या यूट्यूबिंग जिंदाबाद, आराम से जियो। 1 करोड़ रुपये में क्या नहीं हो सकता यार इंडिया में रह के, और आप 1 करोड़ रुपया दे के यहाँ पे आके आप एक चपड़ासी से भी बेकार अपनी ज़िंदगी करने वाले हो। ऐसी डोंकी में आप 40-50 लाख एजेंटों को दे देते हो यार, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। वेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू एजुकेट यू, एजुकेट अदर पीपल, टू एजुकेट समवन हु इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन। बेसिकली एक मैसेज देने का मेरा मन था इस वीडियो के माध्यम से, और अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उससे, और उसको चेतावनी दे कि ये करना गलत है। दिस इज़ नो लेस देन अ क्राइम, एंड किसी का फ्यूचर बर्बाद होने से रोके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ये एक रॉ टॉक सही लगी हो, सो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, बाकी शेयर विद इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स एंड डेफिनेटली मोटिवेट्स अस। एंड जो व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड जो लोग पहले से ही देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इट डेफिनेटली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स। फिलहाल के लिए ध्यान रखें अपना, बी केयरफुल, स्टे सेफ एंड स्टे वॉर्म, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।